नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है बिहार के घोटौना प्रखंड के सिकटियाही गांव के वार्ड संख्या 6 से, जहां बुधवार को सरकारी रास्ते की जमीन पर बने अतिक्रमण घरों को खाली करवाने के दरमियान घोटौना के सीओ रमन कुमार, थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। इतना ही नहीं, उसी दरमियान सरपंच विनोद यादव और उनके भाई रमेश यादव को शांति भंग करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन पे घोटौना थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार का कहना है कि सीओ रमन कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। वार्ड संख्या सिकटियाही गांव के वार्ड संख्या 6 में वर्षों से अतिक्रमण हुए सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार के आदेश अनुसार घोटौना सीओ रमन कुमार एवं थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में तथा लोखी थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार व लोखा के थाना से ASI राम प्रवेश प्रजापति आदि की उपस्थिति में अतिक्रमण अवैध घरों में मुख्य रूप से राम गुलाम पंडित, रामप्रीत पंडित तथा बेचन पंडित के घरों को खाली कराने हेतु बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं सीओ रमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण खाली करवाने में कई दिक्कतों का सामना करना, उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि भारी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा कर स्थानीय सरपंच विनोद कुमार तथा उनके भाई रमेश यादव लोगों को प्रशासन के खिलाफ उकसाकर पुलिस बल के साथ हाथापाई तक किया। वहीं मौके पर महिला पुलिस बल के मौजूद होने के उपद्रवियों को खदेड़ भगाया। सीओ रमन कुमार ने आगे बताते हुए कहा कि उपद्रवियों के द्वारा ईटा पत्थर तथा लाठी डंडा प्रचुर मात्रा में जमा किए हुए थे। ऐसे मानो विधि व्यवस्था को खराब कर प्रशासन के ऊपर हमला करने की तैयारी की गई हो। मौके से सरपंच एवं उनके भाई शांति भंग और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हम न्यायालय में गए हैं, तो न्यायालय में हैं, हम तो न्यायालय हैं। गाड़ी आ गया, हम लोग
मंत्रालय में है, हम लोग काम हमारे लोग देख लीजिए, हम लोग बाकी लोग नहीं, हम लोग मरिए अपना करिए ना, अलग है धरना पे बैठ जाए बच्चा बच्चा, यही फोन करके भेज दीजिएगा ना, बच्चा बच्चा यही बैठ जाएगा, हम लोग अरेस्ट कीजिए, हम लोग अरेस्ट कीजिए, पत्रकार भी आए हुए हैं, अरेस्ट हम लोग को देना है, मैंने बाधा कर रहे हैं सर, आपको अतिक्रमण खाली नहीं कीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए, हम लोग अरेस्ट करेगा, मेरे को बचा ना, अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके ले चलिए, न्यायालय में कोई आदेश नहीं है, आदेश कोई आदेश नहीं है, अरेस्ट कीजिए, अभी समझे क्या आप पैसा लिए हैं, अगर हम लिखा था तोड़ दीजिएगा, अभी आप बोले ना सरकारी हमें सनापी नहीं, अभी बात नहीं बदलिएगा, ढंग से बात कर रहे हैं आप, तो बड़ा ढंग से बात कर रहे हैं, 16/11/2018 सरकारी जमीन का साइन नहीं है, आपको फिर से वेरीफाई करवाना है, सुनिए ना, फिर से वेरीफाई करवाना है, नक्सलाई अच्छा तो नहीं है सर मेरा, मंगाएंगे ना, लगाएंगे ना, नक्सल अखन मंगवा, हम पार्टी बने ठीक है, हमारा कोई नोटिस नहीं भेजे, देखिए सर जिला में स्टे के लिए कोई नोटिस नहीं हुआ है, जी जी दायर कर लेकिन इसके बाद में इनको कोई मालूम नहीं है, कोई स्टे के लिए नहीं आया, नियम कानून सुनिए सर, साथ अन्याय हुआ है, आगे साथ अन्याय देखिए ना, कोर्ट वाला ना है, ये टाइटल ये कि यहाँ घर है पंडित दूसरे आदमी, देखिए सुनिए सर, आपके मुकदमा दायर बोल रहे हैं, मुकदमा दायर के बरकाफ हो गया, आप लेकिन घर पर निश्चित ही समझ लीजिए, कहीं हो गया अगर आपका पोस्टिंग तो न्यायालय में आपको आना होगा, ये दिमाग में डाल लीजिए बात, हाँ समझने के लिए भाई तैयार नहीं है, देखिए लाइन में यही से बात कर रहे हैं, समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आप पेपर दीजिए, सत्यता बतेबे तो सुने ला सब तैयार नहीं छी, हम ये ला बजे छी, समझ गए, हम मजिस्ट्रेट साहब नहीं बजू, हां सुनो ना, हम आके बताबे छी, एना ये ला बजे छी, बोलू ना कि हम दस बोलता है, कहानी बोलता है, कहानी बोलता है, जो सुनिए पहले, ये प्लॉट आके देखाएगा, अरे जिस मैंने सही बात, आप प्रशासन है ठीक है, हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस सही को बोलने नहीं दे रहे, अरे लड़ रहे हैं, आपको सफलता इसमें मिल जाएगा, अरेस्ट होता है, कीजिए ना, चलो मिल जाए लाइन से बात कर रहे हैं, देरी नहीं लगेगा, जरूरत पड़ेगा, नहीं छे बंदोबस्ती वाला कागज में, नियम साहब गोली करो, आप गोली चला दीजिए, हाँ हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है, ये तो जनता चलाइए, हाँ